हमारे खित्ते में पाया जाने वाला एक पौधा अमलतास। सदियों से लोग पुराने जमाने में भी इस्तेमाल करते थे। थाईलैंड का जो नेशनल फ्लावर है ना, वो अमलतास का फूल है। इंडिया के अंदर भी केरला उनकी स्टेट है, केरला स्टेट के अंदर जो उनका स्टेट का फ्लावर है ना, नेशनल फ्लावर, वो भी येलो है। पाकिस्तान की मईशत का ज्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। अस्सलामुअलैकुम नासरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफ़र। नासरीन, माजी में भी हमारे जो देही इलाके हैं और जो फार्मर फैमिलीज़ हैं उनमें अद्वियाती पौधों की काश्त का गैर रिवायती सिलसिला था, वो सिर्फ़ अपनी ज़रूरत की हद तक काश्त करते थे, मगर जैसे जैसे वक्त में जिद्दतें आती गईं तो अद्वियाती प्लांट्स को जो है मेडिसिनल प्लांट्स को कमर्शियल बुनियादों पर भी काश्त किया जाने लगा है। और ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है और इस वक्त ज़रूरत महसूस की जा रही है कि काश्तकार रिवायती फ़सलों के साथ साथ गैर रिवायती काश्त की तरफ जानिब भी आएँ और इससे अपनी और अपने मुल्क की आमदनी में इजाफा कर सकें। इसी हवाले से आज हमने जहमत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रज़ा, डेन फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस मंसूआ, और इनसे हम जानेंगे, अगरचे इनका शोबा वेटरनरी के हवाले से है मगर इनकी जो PhD है, जो इन्होंने डॉक्टरेट किया है जर्मनी से, वो इन्होंने ख़ास तौर पर अद्वियाती पौधों के हवाले से किया है। तो आज हम इस हवाले से जानेंगे और ख़ास तौर पर हमारे खित्ते में पाया जाने वाला एक पौधा, बहुत सारी फार्मर्स फैमिली के लोग उससे वाकिफ़ होंगे, अमलतास, कि अमलतास की अहमियत क्या है, इसकी तिब्बी खवास क्या है, और इसको अगर गैर रिवायती तौर पर प्रोफेशनल अंदाज में और इसे काश्त किया जाए तो इससे एक काश्तकार को क्या फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब इमरान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो ना, ये जब आपने बात की ना गैर रिवायती, हम ये करते हैं ना मेडिसिनल प्लांट का, ये पूरी दुनिया के अंदर ना इस वक्त आप कह लें कि अल्टरनेट मेडिकेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन के अलावा लोग जो नेचुरल मेडिसिन है या हर्बल मेडिसिन है उनकी तरफ बड़ा इनका रुझान है। कुछ काफ़ी सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। बिल्कुल, अब दुनिया में ज़्यादातर लोग जो है वो एलोपैथिक से हटकर अब वो नबाता की हर्बल मेडिसिन जी। अच्छा, इनके जो मेन जो इसकी रीज़न है ना, मेन जो आप कह लें कि वेस्टर्न वर्ल्ड या यूरोपियन लोग जो मेन रीज़न है, सबसे पहले मेन रीज़न इसकी है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमम है या नो साइड इफ़ेक्ट कंपेयर्ड विद, हम अगर आप दूसरी मेडिसिन हम इस्तेमाल करें ना, उनके साइड इफ़ेक्ट बड़े ज़्यादा हैं, तो जबकि हर्बल मेडिसिन है इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा इसकी जो सबसे और बात है कि जो आम हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना, एलोपैथिक मेडिसिन जो मार्केट के अंदर डिफरेंट अवेलेबल है, एंटीबायोटिक है या डिफरेंट, उनके अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर आप कह लें कि रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। कि अब आप देखें ना, पहले एक पेंसिलिन होती थी, हम पेंसिलिन पे चलते थे, पेंसिलिन को हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन कर दिया, स्ट्रेप्टोपेंसिलिन डिफरेंट, अब अगमेंटा तक हम पहुँच गए, थर्ड फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक तक पहुँच गए, बैक्टीरिया वही है, क्या है उसकी कुव्वत मुदाफ़ित में इजाफा हो गया। जबकि मेडिसिनल प्लांट के अंदर अल्लाह ताला ने आप कह लें कि एक दर्जन से ज़्यादा या डिफरेंट केमिकल्स रखे हैं जिनके अगेंस्ट जो आप कह लें कि रेजिस्टेंस डेवलप करना तकरीबन नामुमकिन है डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए। तो इस वजह से भी आप कह लें कि सदियों से लोग पुराने ज़माने में भी इस्तेमाल करते थे डिफरेंट किस्म के मेडिसिनल प्लांट और आज भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर या आप कह लें कि इंडो पाक के अंदर बिफोर पाकिस्तान, आप कह रहे ट्रेडिशनली आज भी हमारे जो हकीम साहबान है, हुक्मा कराम है, वो भी आप कह लें कि डिफरेंट किन्नों के मेडिसिन की जड़ी बूटियां पंसार की दुकान से आपको मिल रहा है। लेकिन मसला ये है कि हमें कोई एक्सपर्ट आप कह लें कि ऐसा फील्ड में अवेलेबल नहीं है जिसको हम कह सकें कि जनाब ये इस फील्ड के अंदर, अब डिफरेंट प्रोफेशन के अंदर आप कह रहे डिफरेंट सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं, डिफरेंट किस्म की आप कह लें कि उनकी रिसर्च
ना होने के बावजूद आपको कह लें कि एलोपैथिक मेडिसिन के कम्बिनेशन के साथ दे देते हैं, जो कि आप कह लें कि इस शोबे के या मेडिसिनल प्लांट के यूज़ के लिए लोगों को आप कह लें कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं या उनको कहने के लोगों का रुझान इसकी तरफ नहीं है। ठीक है, इसकी शायद वजह यह भी है कि कमर्शियल बुनियादों पर जो हमारी कह लें कि केमिकल अद्वियात हैं, जो मसनूई अद्वियात हम इन्हें एक लिहाज से कह सकते हैं, ये इनकी कमर्शियल बुनियादों पर जो है ना प्रमोशन होती है बहुत ज़्यादा, जबकि हमारा जो एक इस खित्ते की फितरत से करीब तरीन जो तरीका इलाज है इसकी हौसला शिकनी की जाती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये ना कि ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारी जो मार्केटिंग चैनल्स हैं ना वो इतने इसके मेडिसिनल प्लांट के हवाले से मार्केटिंग चैनल्स को बड़ा डेवलप होने की ज़रूरत है, कोई प्रॉपर रिसर्च की बड़ी ज़रूरत है। और इनके साथ एक और भी है कि हम एलोपैथिक मेडिसिन कोई भी हम इस्तेमाल करते हैं ना उसका फौरी रिएक्शन फौरी एक्शन है। ठीक है ना, खुदा ना खासा मेरे सर में दर्द है अभी मैं कोई ना कोई मेडिसिन लूँगा तो 10 मिनट में 15 मिनट में, जब इसके मुकाबले जो मेडिसिनल प्लांट है इट विल टेक टाइम, इनको थोड़ा टाइम लगता है। लोगों की इस वजह से भी लोग थोड़ा सा कहते हैं कि फौरी आजकल कोई जल्दबाजी का दौर है, फौरी उसके रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो इस वजह से भी आप कह लें कि फिर प्रॉपर रिसर्च, ठीक है ना, प्रॉपर रिसर्च नहीं। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएँ, जैसे मैं आपने इंट्रो में बताया मैंने PhD जर्मनी से किया, तो जर्मनी में हर्बल मेडिसिन का या मेडिसिनल प्लांट से जो अल्टरनेटिव मेडिकेशन जो हो रही है उनका एक अच्छा खासा शेयर है मार्केट के अंदर। आप किसी भी सुपर स्टोर के पास चले जाएँ, किसी भी आप मार्केट के अंदर चले जाएँ, आपको हर्बल मेडिसिन का एक अलहदा से सेक्शन मिलेगा और लोग हर्बल मेडिसिन को बड़ा प्रेफर करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, हम इसके साथ आपने जो दूसरी बात हम अमलतास के बारे में कर रहे थे, तो अमलतास के बारे में देखिए ये बड़ा कदीमी पौधा है, बहुत आप कह लें कि सदियों से ये इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको अल्लाह ताला ने बड़ी ना खसूसियत से नवाजा है। हाँ, इसके अंदर सबसे बड़ी बात देखिए इसकी अब जो फली है ना, हम यहाँ देखें ये हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे हमने यूनिवर्सिटी के अंदर ये पौधे लगाए हैं। बेसिकली मकसद ये था कि जो फार्मर्स हैं उनको नॉन कन्वेंशनल या गैर रवायती जो है उनके बारे में हम आगाह कर सकें, मेडिसिनल प्लांट के बारे में बता आगाह कर सकें, उसके ऊपर डिफरेंट रिसर्च करें। अगर इसको हम तोड़ें ना जी, इसके अंदर आपको ये देखें ये इसका आपको अंदर ये भी परते नज़र आए, इसकी जो ये परत है ना अभी ये थोड़ा कच्चा है, इसकी होप्स हो के हफ्ते 10 दिन के अंदर ये ब्राउन, इसका ओरिजिनल कलर अंदर परत का ब्राउन होता है, डार्क हो जाएगा और बड़ा इसका बड़ा अच्छा टेस्ट है। इसको हम ना जब इस्तेमाल करते हैं ना तो ये स्पेशली बच्चों के अंदर जो उनके निज़ाम के प्रॉब्लम्स हैं ना, डाइजेस्टिव ट्रैक के प्रॉब्लम है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सेफ़ है, छोटे बच्चों को भी आपने देखो पहले आज से को 15-20 साल पहले घरों के हर घर के अंदर ये लाजमी जुज होता था, बड़ी बूढ़ियाँ संभाल के रखती थी और किसी भी बच्चों के निज़ाम नसाम के मसाले। हाँ, इसका स्पेशली अगर छोटे बच्चों का, अगर छोटे बच्चों को देखते हैं इन्फेंट्स के अंदर, उनको स्पेशली जो बदहजमी मीन के उनके, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक अभी डेवलप हो रहा होता है पैदाइश के बाद और उन पर चीज़ें थोड़ा सा वो खुराक उस तरह उन्होंने इस्तेमाल करना नहीं शुरू करते, तो उसकी वजह से उनके अंदर आप कह लें कि गैस वगैरह पेट के अंदर हो जाना, बच्चे के पेट में मरोड़ जिसको हम कहते हैं वो होना। अच्छा, तो उसके लिए क्या करते हैं कि बदहजमी के लिए इन चीज़ों के लिए क्या करते हैं, बच्चे के मुँह में एक जो परत है तोड़ के उसको चुसाने के लिए उसको चूसते रहते हैं, तो उसका जनाब उसके जो ये पेट के मसाइल हैं तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक के जो जिसमें कॉन्स्टिपेशन कह लें, आप कह लें कि गैस का मसला है, बदहजमी का प्रॉब्लम है, तकरीबन जो मैदे की 80% जो प्रॉब्लम है ये उसका इलाज है। अच्छा, फिर सेफ़ है छोटे बच्चों को आप दे रहे हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है ना जी, तो कोई भी, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा टेस्ट है, जस्ट लाइक आप इसको कहते हैं जस्ट लाइक चॉकलेट का आपको फील होता है इसका टेस्ट। ठीक है ना, तो ये इस तरह का है। अच्छा, फिर इसके अलावा इस मेडिसिनल प्लांट के अलावा इसके जो हम ये फूल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जब फूल देखिए तकरीबन हाँ ये येलो कलर के, हाँ हाँ और एक बहार का समय हाँ है। अब इसको ये देखें, ये तकरीबन जो इनके फ्लावरिंग है ना मार्च या लेट मार्च से स्टार्ट हो जाती है और तकरीबन ये जून तक इसकी फ्लावरिंग रहती है। तो ये पी आपको पूरा, अभी हमारे पास ये क्योंकि हमने अभी इनकी उम्र तकरीबन दो साल के करीब हुए, 2-2.5 साल के, तो जब ये पूरा दरख्त हो जाएगा तकरीबन इसकी जो पूरी लेंथ है 30-60 फुट के दरमियान इसकी होती है, तो ये पूरा येलो हो जाएगा और आपको येलो बड़ा खूबसूरत सा इसका नज़र आता है। इसका हम पता क्या करते हैं, जो हर्बल मेडिसिन के अंदर जो इसके फ्लावर की ये पेटल्स हैं ना पत्तियाँ, इनको अलग करके, ठीक है ना, अलग करने के बाद इनको रगड़ के बना लेते हैं पेस्ट। ठीक है ना, इसको किसी तरह रगड़ के ऐसे, अब ये देखें ना ये इस तरह इसको मिक्सअप करके इसका पेस्ट बनाते हैं हम, और इसको पेस्ट को स्पेशली जो चेहरे के ऊपर पिंपल्स हैं
उनके ऊपर हम इसको लगाते हैं, और ये चेहरे के पिंपल्स की ट्रीटमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट हर्बल मेडिसन है। बिल्कुल जी जी, हर ये चेहरे के पिंपल के लिए स्पेशली इसको इस्तेमाल किया जाता है, और बड़े अच्छे इसके अच्छे रिजल्ट हैं, ना इसका कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि आपको पता है चेहरे की जिल्द हमारी काफ़ी नाजुक है, खुदा ना खासा हम कोई ऐसी उसके अंदर इस्तेमाल कर लें तो स्किन का ख़राब, ब्रैशेज या उसके अंदर दाने बनने का खतरा। तो ये बड़ा उसके चेहरे के लिए इसका पेस्ट बना के जैसे हम लगाते हैं पेस्ट को, इसको लगा लेते हैं, ये एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा दूसरे जो इसके पत्ते हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसन के अंदर है या हर्बल मेडिसन के, इसके पत्तों को भी क्या करते हैं, जो हमारी अंदरूनी चोट आ जाती है ना मसल्स की, ठीक है ना जी, कोई बंदा गिरा, जहरी तौर पे इसको कोई चोट नहीं है, लेकिन अंदरूनी मसल उसका स्पैम हो जाता है, पेन होता है, जिसको हम नॉर्मली लोकल लेवल गुफ्ती चोट भी कह देते हैं कि जी अंदरूनी, ठीक है ना जी, मसल्स स्पैम, हाँ मसल स्पैम का। तो इसको, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका पेस्ट बना के, पत्तों का हम पेस्ट बना के ना उसके ऊपर हम लगा के उस पेस्ट को गर्म पट्टी कर देते हैं, ठीक है ना, इसको उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये हीलिंग बड़ी अच्छी उसके अंदर, बड़ी अच्छी और बड़ी तेज़ उसकी हीलिंग कर देता है। इसको आप कह लें कि प्लोटिस उसका बना के, इसका वो बना के, वो भी हम इसको इस्तेमाल करें। ये आप कह लें कि जो इसके ना तीन चार जो इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट के, इसके मेडिसिनल प्लांट के हवाले से इसके फ़ायदे हैं जी। इसके अलावा मुख्तलिफ अद्वियात में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, हाँ हर्बल कंपनी जी जी बिल्कुल, इसके खवास की बिना पर बिल्कुल उसको, हाँ ये तो मैं वो बता रहा हूँ कि जो आपको मेन मेन इसके चीज़ें हम स्पेशल पर्पस जो हम इनको तौर पर हम इसको हाँ इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा ये आप पनसार के पास चले जाए ना, आपको ये इसकी जो फली है ना पनसार के पास को आपको मिलती है एक अच्छी खासी अमाउंट के अंदर मिलती है, अगर हमारा इसका मार्केट चैनल डेवलप हो जाए, लोग इन चीज़ों की तरफ रागब हो जाए, तो आप कह लें कि ये आप देखिए इस, ये अभी दो ढाई साल का दरख्त है, जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको एक दरख्त से आप हज़ारों रुपए की इनकम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो मैंने मेडिसिनल प्लांट हवाले से इसकी बात होगी, इसके अलावा आप ये कह लें कि ये जो प्लांट जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म में भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसके येलो कलर की वजह से ना आप थाईलैंड का जो नेशनल फ्लावर है ना वो अमलतास का फूल है, ठीक है, हाँ थाईलैंड का, इसी तरह थाईलैंड ने अमलतास को अपना इसके फ्लावर को, येलो फ्लावर को नेशनल फ्लावर का दर्जा दिया हुआ, कौमी फूल दिया, इसी तरह इंडिया के अंदर भी केरला उनकी स्टेट है, केरला स्टेट के अंदर जो स्टेट का फ्लावर है ना नेशनल फ्लावर वो भी येलो है, तो बुद्धिज़्म और हिंदुज़म के अंदर येलो कलर की शायद इंपॉर्टेंस की वजह से उन्होंने इसको वो किया हुआ। बाकी ये अगर हम इसको ज़मीन के हवाले से इसकी बात करें, ये आप कह लें कि लिग्यूमस फलीदार पौधा है, तो फलीदार जितने भी पौधे होते हैं वो हमारी ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ाने में भी बड़ा काम आने करते हैं। माशाल्लाह ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि ज़मीन की जरखेज़ी के लिए भी, अगर आपका खेत है तो उसके किनारों पे अगर आप इसे लगा दें, हाँ इनका तो आपकी फसल के साथ साथ ये आपकी ज़मीन की जरखेज़ी, हाँ, जितने भी ये हमारे लेग्यूमस प्लांट है ना फलीदार, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, ठीक है जी, नाइट्रोजन फिक्सिंग की वजह से आपकी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन और जिसे और उसी नाइट्रोजन की वजह से जरखेज़ी ज़मीन की बढ़ जाती है। ये आप कह लें कि फार्मर अगर सपोज़ इसको, जिस तरह आपने कहा ना कि जी इसको हम पौधों के अपने फील्ड के या खेतों के किनारों पे भी लगा दें, तो इस लगाने से एक तो हम गैर रवायती तरीके से आप कह लें कि नॉन कन्वेंशनल किस्म की फार्मिंग कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट की, इससे हम अर्निंग इनसे सेल आउट करके हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपकी जो ज़मीन की जरखेज़ी है उसके साथ साथ आपकी ज़मीन की जरखेज़ी के अंदर भी ये इजाफा करता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसको माहौल कैसा चाहिए होता है इस पौधे को, इस दरख्त को? हाँ ये गर्म गर्म माहौल, जैसे पाकिस्तान इंडिया इन कंट्रीज़ का, ज़्यादातर पाकिस्तान के इलाके, पाकिस्तान हाँ गर्म है जी जी, तकरीबन हॉट और थोड़ा सा ड्राई इसको क्लाइमेट चाहिए, पाकिस्तान और ये इंडो पाक के जो एरियाज हैं ये इसके लिए बड़ी फिट क्लाइमेट है। अगर कोई काश्तकार इसका एक बाग लगाना चाहे तो क्या उसे उस हद तक आमदनी मिलेगी जिस तरह से रिवायती सिट्रस के हैं या मैंगो है, इनके बागात लगाने से जो ये उनको आमदनी हासिल होती है, तो जो मेडिसिन प्लांट है तो इनकी जो काश से क्या को वो रिस्पॉन्स एक काश्तकार को मिल सकता है? अभी इसका कहना नामुमकिन है कि मैं कहूँ कि जनाब ये इतनी कैश क्रॉप बन सकती है लाइक सिट्रस या मैंगो ऐसा, क्योंकि हमारे मसला यही है, पहले हमने बात की मार्केटिंग चैनल्स नहीं है, ठीक है ना, हमारे काफ़ी सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट हमारे मुल्क के अंदर होते हैं
सौंफ है, इस सब गोल की एक बड़ी एग्जांपल है, हम उनको वैल्यू ऐड ही नहीं कर सकते। उसका पता क्या होता है, काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट हम इंडिया हमसे परचेज करके लेके चला जाता है, चाइना हमसे परचेज करके लेके चला जाता है, वो परचेज करके ले चला जाए, वो उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके वही चीज़ खूबसूरत पैकिंग के अंदर उसको प्योरीफाई करके सेट करके पाकिस्तान में भेज देते हैं। अब इससे गोल के छिलके की आप बात कर लें, मार्केट के अंदर आप चले जाएँ, हमारे पाकिस्तान में अच्छा खासा, आप कह लो कि ये जो बहावल नगर बहावलपुर ये इस साइड का एरिया है, अच्छा खासा पॉपुलर है, लेकिन गवर्नमेंट आप कह लो कि हमारे पास इसका उस तरह का चैनल अवेलेबल नहीं है। काश्तकार जो लगाते हैं वो अपने बलबोते के ऊपर जनाब आड़तियों को गला मंडी के अंदर सेल करते हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कृषि या हमदर्द वगैरह वाले जैसे ये लोग हैं, ये इसकी थोड़ी पोरिफिकेशन कर लेते हैं और सही प्राइस भी आप कह लो कि ना अभी डिटरमाइन नहीं कर पाते कि मार्केट में बाकी जिस तरह के क्रॉप्स हैं उनकी एक प्राइस डिटरमाइन है। हमारे मुल्क में दूसरे लफ्जों में ज़रई मार्केटिंग का फुकदान है। हाँ, इसकी हम अपना पिंक हिमालयन साल्ट भी दूसरे, बिल्कुल काफ़ी सारा ये मार्केटिंग, जी 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 सिर्फ मार्केटिंग। हाँ, अगर मार्केटिंग हमारी प्रॉपर हो, लोगों का एक प्रॉपर इसकी तरफ काम हो, जिस तरह हमने बाकी काफ़ी सारी चीज़ों की वैल्यू चेन्स डेवलप कर रही हैं, तो डेफिनेटली आप कह लें कि ये एक बेहतरीन किस्म का, क्योंकि देखो ना इसको हम ज़मीन के ऊपर हम बॉर्डर पे भी लगा दें प्लांट्स को, दरमियान में हम अपनी काश्तकारी कुछ भी करते रहें, कुछ भी लगाते रहें, आपके ज़मीन की ज़रखेज़ी भी इसने बढ़ानी है, ज़मीन को आपको जो हाँ खाद की ज़्यादा ज़रूरत है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ज़रिए आपकी ज़मीन की जो ज़रखेज़ी में इजाफा करेगा और एडिशनली मेडिसिनल बेनिफिट मिलेंगे, एडिशनली इसकी फली को आप सेल आउट भी कर सकेंगे, तो ये मल्टीपर्पज़ हम इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे ख़ासतौर पर नबाताती पौधों और अमलतास के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और उम्मीद है कि हमारे नासरीन के लिए ये गुफ्तगू जो है बहुत सारी मालूमात का बायस बनेगी। नासरीन, मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए AWC एग्री। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।